wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa'innahu mulaqikum thumma turadduna ila 'alamil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kut fid dunya kana qaribu arabil sabil. Bayame marg se e dil ki utra dam nikalta hai. Bayame marg se e dil ki utra dam nikalta hai. Musafir roz jate hain ye rasta yun hi chalta hai. Momin kabhi hota nahi maut se qareeb. Iman ka johar hai bas Allah se darna. Amal se zindagi par ghafilon ka waqf karna hai. Ye jeena koi jeena hai uske saath marna hai. जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है लगत नतीजा है कोई तमाशा नहीं है एक दिन मरना है आखिर मौत है कर ले जो करना है आखिर मौत है मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों मौत हर जानदार के लिए कितना भयानक और खतरनाक लफ्ज है मौत से हर शख्स भागता है बच्चा हो या जवान मर्द हो या औरत बूढ़ी हो या बूढ़ा झोपड़ियों में रहने वाला हो या कोठियों में मुसाफिर हो या मुकीम मौत को सिर्फ भूत को कोई पीना गवारा नहीं करता मौत की आवाज को सुनना नहीं चाहता है मगर उसके बावजूद मौत हर एक को आती है कभी तो माँ की गोद में आती है और माँ की आंसू को खौफ में मिलाकर रख देती है कभी तो भरपूर जवानी में आती है और हजारों की तमन्नाओं पर पानी फेर देती है कभी तो बुढ़ापे में आती है घर से इतना के मौत हर एक को आती है इसी को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम में इस तरह बयान फरमाया है कुल इन्नल मौत अल्लज़ी तफिरून मिन्हु फइन्नहु मुलाकीकुम ए नबी फरमा दीजिए जिस मौत से तुम फरार करते हो वो तुम्हें कहीं जरूर मिलेगी और तुम्हें इस मालिक की तरफ लौटना है जो तुम्हारे जाहिर और बातिन और अंदर बाहर का इल्म रखता है और तुम्हें कल कयामत के दिन जिसमें अव्वल और आखिर जमा होंगे नफ्सी नफ्सी का आलम होगा और तुम्हारे आमाल से तरफ बंद करेगा अगर तुमने खुदा रसूल के अताउ तो फरमा परदारी के साथ जिंदगी गुजारी है तो तुम्हारे नाम है अमल दाएं हाथ में दिया जाएगा और फरिश्तों से कहा जाएगा इसे जन्नत में दाखिल कर दो और ये पैगाम सुना दो कि अंत में कभी भी मौत नहीं आएगी अगर तुमने खुदा रसूल के कानून को तोड़कर हलाल को हलाल और हराम को हराम ना समझा था रिश्वत और सूद से तुमने अपनी जेब को भरा था यतीम और बेवाओं की दौलत पर तुमने डाका जनी की थी तो कल कयामत के फरिश्तों से कहा जाएगा नाकामी का धंधा बाएं हाथ में पीछे की तरफ से दे दो और कहो जहन्नम में वथा मुंह डाल दो मेरे दोस्तों दुनिया में इंसान दौलत कमाने की बड़ी कोशिश करता है रातों में जाग कर दिनों में थक हार कर और खुद पसीना एक करके जमा करता है लेकिन जब इंसान को मौत आती है उसकी रूह परवाह कर जाती है तो लोग उसकी सारी दौलत ले लेते हैं अगर उसके बदन पर कोई जेवर होता है हाँ वो मामूली ही क्यों ना हो उसे भी उतार लेते हैं इंसान को अपने दौलत से सिवाय जगत के कुछ हासिल नहीं होता कोई चीज उसके साथ नहीं जाती सारी चीजें वहीं पर ही रह जाती है लोग नहरा धोला कर कपड़ पहना कर कब्रिस्तान की तरफ चल देते हैं और कब्र में दफना कर सारे लोग वापस चले आते हैं उसके साथ कोई नहीं रहता आज दुनिया की कोई चीज उसके साथ नहीं रहती सारी चीजें लौट आती है सिर्फ एक ही चीज उसके साथ रह जाती है वो उसके आमल खास हो या बुरे इसको हमारे आका जनाब ताजदार खबीना अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह बयान फरमाया फरमाता है यत्तबिउ अल-मय्यित थलाथा फयरजउ इत्नान व यबका माहु वाहिद व फयत्तबिउ अहलहु व मालहु व यरफा अमला ए नबी फरमा दीजिए मैयत के पीछे तीन चीजें जाती है उनमें से दो लौट आती है और एक रह जाती है माल और औलाद अमल जाता है जिनमें से माल औलाद वापस चले आते हैं सिर्फ अमल रह जाते हैं सोचने का मकाम है वो अमल जो कठिन घड़ी में काम आने वाला है वो हमारे पास कितना है वो आल औलाद वो मालो बताओ जिसको जमा करने के लिए हम कितने फिक्रमंद है वो हमारे पास कितना है किसी ने क्या खूब शायर कहा क्या क्या दुनिया से साहब माल गए
Kya-kya dunia sesangga bemal gaye, na daulat saath gaye, na atfal gaye, pahuncha tula kad tak aaye sab log, hamra agar gaye to amal gaye, wa ma alaina illa al-balagh.